बाअदब बामुलाहिज़ा होशियार, जिनके आने से दरबार में आए बहार, जिनका अंदाज है जोरदार, जिनसे करता है हर कोई प्यार, ऐसे हमारे शहंशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर पधार रहे हैं। रखिए, हमने तशरीफ नहीं कहा, अब कह रहे हैं तशरीफ रखिए। रुको, कहाँ जाना है? अंदर बावर्ची खाने में। क्यों? मेरी बेटी काम करती है यहाँ, चांदनी। चांदनी? लेकिन वो पिछले 2 हफ्ते से आई नहीं है। हाँ, पिछले 2 हफ्ते से लापता है मेरी बेटी। दिन रात उसका ये लाचार बाप उसे ढूंढता रहता है। इसलिए खानसामा जी से मिलना चाहता हूँ, सोचा उनसे उसकी कुछ खबर मिल जाएगी। मेहरबानी करके मुझे अंदर जाने दो भाई। तलाशी दो अपनी। इसे मत छूना, यहाँ टूटा है भाई। ठीक है, जाओ। बलदेव, बताइए आज का मसला क्या है? बलदेव, मसला क्या है? जहां अपना रावी नहर पर पुल बनने का काम पूरा हो गया है। अरे, काम शुरू हुआ था तो खत्म तो होगा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मसला क्या है? जहां अपना मसला यह है कि शहरी विकास विभाग के अधिकारी पुल के उद्घाटन के लिए आपको आमंत्रित करना चाहते हैं। आहा, तो ये बताइए ना, बुलाइए उन्हें। अधिकारी को पेश किया जाए। जहां अपना ये है राम धनी, शहरी विकास विभाग के प्रमुख। नहीं, अरे ये तो ना कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ये प्रमुख नहीं है। नमस्ते। अच्छा, नमस्ते कह रहे हैं। नमस्ते। हाँ जाइए, देखिए हम आपको रोक नहीं रहे, आप जाना चाहते हैं तो जाइए। जापना। नमस्ते जापना। अच्छा, नमस्ते जहां पना कह रहे हैं ये। बहुत खूब। ओ, इनकी तो अटकती है। हाँ, तो आपकी क्यों खटकती है? खैर, आप हमें बताइए कि आपके साथ जो आए हुए हैं वो कौन है। नहीं, आप रहने दीजिए, आप अगर बताएंगे तो काफी वक्त लग जाएगा। आप जो आए हैं साथ में, आप खुद ही बता दीजिए आप कौन है। हम पुल के ठेकेदार प्रेम सिंह जहांपना, आज मैं क्या करूं? नहीं, सही बात है, ये हमारे दरबार का सबसे जरूरी चर्चा का मुद्दा है आज के। भाई, पुल का काम खत्म हो गया है, अब आप क्या करें? यही चर्चा करने के लिए बैठे हम यहाँ पर। जहां पना, ये मेरा तकिया कलाम है, आज मैं क्या करूं? अच्छा, माफी चाहेंगे, हमने सोचा कि आप हमसे पूछ रहे हैं कि आज आप क्या करें। आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। ए, कहाँ जा रहे हो? बावर्ची खाने जाना है भाई, थोड़ा बता देंगे किस तरफ से जाना है? आगे जाके दाएं मुड़ जाना, ठीक है? जी, शुक्रिया। हाँ तो रामधनी जी, बताइए क्या दरख्वास्त लेकर आए हैं आप? आप पुल के उद्घाटन के लिए
पुल के उद्घाटन के लिए आप हमें यहाँ पर आमंत्रित करने आए हैं। हम समझ गए, आपको पूरी बात कहने की जरूरत नहीं है, हम आएंगे, जरूर आएंगे। जहांपना, एक बात और, पुल का काम तय लागत से 8% कम में इन्होंने पूरा किया है। ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत खूब। अक्सर देखा गया है कि लागत अनुमान से ज्यादा लग जाती है, लेकिन यहाँ पर अनुमान से कम लागत में आपने ये काम किया, ये बहुत बड़ी बात है। हम आपको इनाम देना चाहेंगे। वाह जहांपना, वाह, इनाम के असली हकदार तो आप हैं। आप, सही सुना था आपके बारे में कि आप अपने वफादारों को बहुत नवाजते हैं, आज देख भी लिया। वाह जहांपना, कौन है ये, बिना इजाजत के अंदर कैसे आ रहे हो? सिपाहियों, पकड़ लो इसे। खबरदार, किसी ने मुझे छूने की कोशिश की तो, अगर किसी ने मुझे हाथ भी लगाया तो इससे फोड़कर यहाँ पे धमाका कर दूंगा, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अरे भले मानस, रक्षाबंधन को भी बहुत वक्त है। वासु, क्यों ये राखी मांग के घूम रहे हो, और वो भी बाएं हाथ में? राखी हमेशा दाएं हाथ में बांधी जाती है। वासु, वासु, वो राखी नहीं, वो बारूद का गोला है। अरे जो भी हो, बांधनी तो दाएं हाथ में चाहिए ना बिरबल जी ना? और जाबना, इनके पास इतना बारूद है कि अगर इन्होंने रस्सी खींच दी तो पूरा महल एक झटके में उड़ जाएगा। अब ना तो यहां से कोई बाहर जाएगा ना ही कोई अंदर आएगा। जाबना, अपने सभी सिपाहियों से बोल दीजिए यहाँ मेरे सामने आ जाएं और अपने हथियार रख दें, वरना इसे खींच कर अभी मैं सब कुछ स्वाहा कर दूंगा। देखिए देखिए, हमारे महल में घुसकर, हमारे दरबार में इस तरह घुसकर आप हमें धमकी नहीं दे सकते। अच्छा तो ये बात है, तो ये लो। जाबना, हमें लगता है कि हमें इनकी बात मान लेनी चाहिए। हमें भी ऐसा ही लगता है बीरबल। सिपाहियों, अपने सारे हथियार लाके इनके कदमों में फेंक दो। जल्दी जल्दी, खाजा दबान। हथियार फेंकने के लिए कहा हमने? फेंक ही तो रहे थे जहांपना। ये आपका फेंकने का तरीका है जी। देखिए, आप कौन हैं और चाहते क्या? मैं तुम सबको ऊपर पहुंचाने आया हूं। अरे क्यों, लेकिन भाई साहब, अभी तो हमारा निकाह भी नहीं हुआ, अगर कुवारे ऊपर जाएंगे तो सीधा जन्म में जाएंगे, कम से कम आप हमारे निकाह तक तो रुक जाइए। या अल्लाह, कुवारे तो हम भी हैं, इसका मतलब हम भी जहन्नुम जाएंगे? नहीं 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 शहजादे, आप कुछ कीजिए ना। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। चलिए ना, हम दोनों यहीं पे निकाह कर लेते हैं, फिर हम दोनों जहन्नुम जाने से बच जाएंगे। अरे हम उन्हें समझाने के लिए कह रहे थे, आपसे निकाह करने के लिए नहीं। अरे बंद करो अभी ये बकवास, और ना अभी ये खींच कर। अब रुक जाइए। तुम्हारी आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगती है। जगत, तू हवाला से कैसे बाहर आया? सलाखें तोड़कर बाहर आ गया मैं, ताकि अपना बदला ले सकूं। किस बात का बदला? अपनी जिंदगी बर्बाद होने का बदला, अपनी लापता बेटी का बदला। आज मेरी बेटी की शादी होने वाली थी, पर वो पिछले 2 हफ्ते से लापता है, सब आपके कानून की वजह से। जहांपना, जो अंधा भी है और बहरा भी। बीरबल जी, हम बताते हैं, ये जगत है, हमारे कार्यालय में लिपिक का काम करता है, और अभी 2 हफ्ते पहले
हमने इसे भ्रष्टाचार के आरोप में रंगे हाथों पकड़ा था। झूठ मत बोल, मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं। शांत हो जाइए। धोखे से पकड़ना चाहते थे मुझे। देख, सब सुहा कर दूंगा अभी। देखिए देखिए देखिए, हम सब की तरफ से आपसे माफी चाहते हैं। अब कोई आपके करीब नहीं आएगा। हमें ये बताइए कि आखिर आप चाहते क्या? मैं जानता हूं बीरबल जी, आप जहां पना के लिए कुछ भी कर सकते हैं और आप काफी इंसाफ पसंद भी हैं। देखिए जगत जी, आप हमें सिर्फ ये बताइए कि आप चाहते क्या? इंसाफ, इंसाफ चाहता हूं मैं। मैं चाहता हूं क्या, सूरज ढलने से पहले आप मुझे मेरी खोई हुई इज्जत और मेरी लापता बेटी ला कर दें। और बीरबल जी, अगर आप उसमें असफल रहे तो यहां मौजूद सभी की मौत मैं सबको इनाम दूंगा, और अगर सफल रहे तो जिंदगी। मैं चाहता हूं क्या, सूरज ढलने से पहले आप मुझे मेरी खोई हुई इज्जत और मेरी लापता बेटी ला कर दें। जगत जी, बात समझने की कोशिश कीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी बेटी को हम हर हाल में ढूंढ कर लाएंगे, लेकिन आप पर भ्रष्टाचार का इल्जाम है जो साबित भी हो चुका है। हम आपकी इज्जत आपको कैसे लौटा सकते हैं? यही तो इम्तिहान है बीरबल जी। आज रात तक का समय है आपके पास। आज रात जैसे हुई और आपका ये सब दरबार स्वाहा। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? जहां पना, शहजादे, दरबारी, इन सब ने क्या किया? इन सब का क्या कसूर? इन सब को खत्म क्यों करना चाहते? पिताजी, आपने मेरा नाम नहीं लिया, इसका मतलब ये मुझे नहीं मारेंगे। मैं जाऊं, वैसे भी मुझे हल्के होने जाना है। कोई दरबार से बाहर नहीं आएगा, और जो भी हल्का भारी होना है ना, ऊपर जाकर होना, यमराज के घुसल खाने में। जगत जी, अगर हम यहाँ से बाहर नहीं गए तो फिर आपकी बेटी को ढूंढेंगे कैसे? वो सब मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन दरबार से कोई बाहर नहीं जाएगा। बीरबल जी, ये है ही पागल। ए, तू चुप कर, वरना सबसे पहले तुझे ऊपर पहुंचा दूंगा। मेरे खिलाफ गवाही सबसे पहले तूने ही दी थी ना। रामधनी जी, इन पर भ्रष्टाचार का इल्जाम है, क्या आप बताएंगे कि हुआ क्या था? बीरबल जी, हम सब बताते हैं। हमने अपनी आंखों से इसे उस महिला से रिश्वत लेते हुए देखा था। जी, हमारे पास इतने ही हैं। चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते जी। ए, ये झूठ है, मैंने कोई रिश्वत नहीं ली। तुम्हारे चीखने चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा। माना कि तुम्हारे हाथ में बारूद है, पर तुम अपने रिश्वत लेने के सच को झुठला नहीं सकते। हमारे सामने की बात है, जब भ्रष्टाचार विरोधी दस्ते ने तुम्हारे ऊपर छापा मारा था, आज मैं क्या करूं? आप लोग, इस बक्से में क्या है? क्यों? खोलो इसे, हमें इसकी तलाशी लेनी। अरे, इसमें हमारे कुछ दस्तावेज हैं और कुछ भी नहीं है। जो भी है खोलो इसे जल्दी। इसकी चाबी कहाँ? चाबी, चाबी कहाँ इसकी? मेरे पास है। तो खोलो इसे। इस पोटली में क्या है? पता नहीं। घूसखोर कहीं का? पकड़ लो उसे, बांधो उसे हाथ में। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो। देखिए, जिन लोगों ने आपको रिश्वत लेते हुए देखा, वो हमारी आंखों के सामने यहाँ खड़े हुए हैं।
और वो रिश्वत की मोहरें भी आपके बक्से से बरामद हुई हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि रंगे हाथ पकड़े जाने पर सिपाही तुम्हें कैद खाने में नहीं डालते तो क्या तुम्हारी आरती उतारते? नहीं, मैंने कोई रिश्वत नहीं ली है, सारी जिंदगी निकाल दी मैंने ईमानदारी से नौकरी करते हुए। सोचा था बेटी की शादी के बाद तीर्थ स्थान पर जाऊंगा, पर कुछ नहीं हो पाया। मुझे किसी से कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं है। बेटी की शादी करने के लिए तो तुमने नहीं ली वो रिश्वत, आज मैं क्या करूं? जगत जी, दरबार है अकबरी, आज तक यहाँ किसी के साथ ना इंसाफी नहीं हुई। अगर आपके साथ कोई ना इंसाफी हुई है तो हम आपसे वादा करते हैं कि आपके साथ न्याय जरूर होगा। अब आप बताइए क्या हुआ था आपके साथ? बताता हूँ, वो औरत मेरे पास अपने काम से आई थी। हमें अपने हवेली के पीछे वाली जमीन पे एक बाग बनाना है, उसी की अनुमति के लिए आए हैं। लेकिन वो जमीन है किसकी? जी वो जमीन तो हमारी ही है, लेकिन हमारी हवेली के चार दीवारी के बाहर। हमने सोचा बाग बना के मोहल्ले वालों की कुछ भलाई करनी चाहिए। पहले आप उस जमीन के सारे कागजात लेकर आइए, अगर कागजात सही होंगे तो ही आपका काम सही होगा, ठीक है? जी ठीक है। बस इतनी सी ही बात हुई, फिर वो औरत वहां से चली गई। आप उस औरत का नाम पता कुछ जानते हैं? नहीं, वो औरत उसी शाम बस मिलने आई थी मुझसे। वो कौन थी, कहां से आई थी, मैं नहीं जानता। उसी शाम भ्रष्टाचार विरोधी दस्ते के कुछ लोग आए थे, उन्हें मेरे कार्यालय के बक्से में मोहरों की थैली मिली। जरूर ये किसी ने मुझे फंसाने के लिए वहां रखी थी। आपके उस बक्से की चाबी किसके पास रहती? अरे इसी के पास रहती थी, ये अपनी कमर से बांध के रखता था। तो भला बताइए कोई दूसरा इसके बक्से में मोहर कैसे रख सकता है? क्या ये सच है जगत? हाँ हाँ ये सच है, चाबी मेरे पास रहती थी, कितनी बार बता चुका हूँ, चाबी मेरे पास रहती थी। और उस बक्से में दस्तावेज के सिवा कुछ भी नहीं था, कितनी बार बताऊं, पता बताकर मेरा गला सूख गया। राजा दरबार जी, इनके लिए पानी लेकर आओ, अगर आप इजाजत दें तो। हाँ जापाना, इस मसले की अहम कड़ी वो औरत है, उसकी गवाही के बगैर हम किसी हल तक नहीं पहुंच सकते। ये बात तो ठीक है बीरबल, लेकिन इस गुमनाम महिला को आप ढूंढेंगे कैसे? उसका चित्र बनाकर जाओ, हम किसी भी इंसान का वर्णन सुनकर उसका चित्र बना सकते हैं। तो क्या फिर? अरे हाँ हाँ, फिर इंतजार किस बात का है बीरबल, तुरंत बनाइए, ये आपको बता देंगे कि वो महिला दिखती कैसी थी, और आप चित्र बनाइए, शुरू कीजिए। तो बताइए जगत जी, कैसी दिखती थी वो औरत? हाँ हाँ, यही बिल्कुल ऐसी दिखती थी वो, बिल्कुल ये। ये देखिए जापन, यही है वो औरत। पर आप उस औरत की तस्वीर का करेंगे क्या बिरबल जी? हम इसे कोतवाली भेजेंगे ताकि इस औरत का पता लगाया जाए। जगत जी, हमें आपके कार्यालय जाना होगा, अगर हम यहाँ से बाहर नहीं गए तो ना ही हम आपको बेगुनाह साबित कर सकेंगे और ना ही आपकी बेटी का पता लगा सकेंगे। हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, हम आपसे वादा करते हैं कि हम कोई चाल नहीं चलेंगे, और आपको भी हमसे वादा करना होगा कि हमारी गैर मौजूदगी में आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएं। जगत जी हमें बाहर जाने दीजिए। ठीक है, आप जाइए, हम वादा करते हैं। शुक्रिया शुक्रिया जगत जी। ये बताइए कि आपके कार्यालय में जो बक्सा है उसकी चाबी किसके पास? बड़े बाबू के पास।
वो बड़े बाबू है ना छज्जूमल जी, वो हमारे कार्यालय में होंगे। जब जगत पकड़ा गया था ना तो हमने चाबी छज्जूमल को दे दी थी। जापना हमें आज्ञा दीजिए। भागिए भागिए बीरबल, किसी को मौका मिल रहा है यहाँ से निकलने का, भागिए भागिए, भाग कर जाइए जाइए जाइए, भागिए 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 भागिए। बीरबल जरूर आपके लिए कुछ, अरे आप पानी पी लीजिए। रुको, मैं ये वाला नहीं, ये वाला पानी पीऊंगा, और ये पानी पिएंगे हमारे जहां पना। अरे दीजिए दीजिए, हम भी पानी पिएंगे भाई, पानी में कैसा भेदभाव, लाइए दीजिए। प्यास तो हमें भी लग रही है, इतनी देर से आप अपना हाथ दिखा के जो डरा रहे हैं। जा बना, इस पानी में बेहोश करने वाली दवा मिली। क्या दरबार, आप हमें क्यों बेहोश करना चाहते थे? नहीं नहीं, नहीं जहां पना, वो बलदेव जी। आप बलदेव जी को क्यों बेहोश करना चाहते नहीं, थे नहीं, नहीं। मैं समझ गया था, मुझे बेहोश करके गिरफ्तार करने की साजिश थी ये। हाँ, तुम मिलकर खेल खेल रहे हो मेरे साथ, और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अरे रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, हम माफी मांगते हैं। मैं अब किसी की नहीं सुनने वाला, मिलते हैं अब मरने के बाद ऊपर। मौत मुबारक।